الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पहला क्रिकेट टूर्नामेंट जो मजलिस सेहत यूके ने ऑर्गेनाइज किया बड़े अच्छे तरीके से अपने अख्ताम को पहुंचा और जो मुझे बताया गया है और एक मैच जो मैंने देखा है उससे पता लगता है कि अल्लाह ताला के फजल से मायार भी बड़ा अच्छा है प्लेयर्स का और जिन टीमों की तो थी कि वो शायद जीते पहली पोजीशन में आए पहली और दूसरी उनकी तो पोजीशन नहीं आई लेकिन जिनकी तो नहीं थी उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और स्विट्जरलैंड का तो मुझे पता लगा मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्विट्जरलैंड एक छोटा सा मुल्क और थोड़ी तादाद है जमात की वहां उसमें से सिलेक्शन भी बड़ी मुश्किल होगी। कैनेडा में तो बड़े काफी प्लेयर है और इसी तरह यूके में भी और ऑस्ट्रेलिया में काफी चॉइस था सिलेक्शन अच्छा चॉइस था लेकिन स्विट्जरलैंड वालों से जो मुझे बताया गया कल उनसे गर्मी में 3 मैच खिलवाए गए हो सकता है शायद वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आज उनके साथ वही मोहन साहब तूफान के मरवाया से पंजाबी आपकी तारीफ करूंगा वो जैसे ये लतीफा मशहूर है उस आदमी को तो चाहे बांधते या ना बांधते उसकी तो मौत आई थी लेकिन यहां लगता है कि काफी ज्यादती हो गई स्विट्जरलैंड के साथ। तो बहरहाल अमरीका का भी टीम जो है जो इनकी असल टीम है मुझे बताया गया बड़ी अच्छी टीम है उम्मीद है आइंदा इंशाल्लाह अगर टूर्नामेंट हुआ जिसका बड़ा जोर है मुझे इंसामिया ने बताया कि काफी मुकालबा किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से बड़ी डिमांड है कि हर साल हुआ करे तो जो अच्छे प्लेयर हैं वो नहीं आ सके लेकिन जो आए हैं वो भी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। जमात अमरीका जमात अमरीका और यूके का मेरा ख्याल था कि ये मैच जीतेंगे पहली पोजीशन आएगी नहीं? और ये बड़ी मुश्किल से तीसरी पोजीशन ले सके और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है ये मुल्क दोनों ऐसे हैं जहां क्रिकेट खेली जाती है और बड़े मशहूर प्लेयर यहां पैदा हुए हैं और होते हैं बल्कि दाल की कंट्री तो यूके से ही हुई है और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी टीम रही है। तो बहरहाल ये मैच हुए अच्छे हुए और मुझे उम्मीद है कि अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा भी हुआ होगा हर तरफ से। कनाडा वालों को भी पता लग गया होगा कि अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं हमेशा हर मैदान में तो ज्यादा अच्छे नतीजे निकलते हैं। बाकी मेरा इशारा आप खुद ही समझ गए होंगे और बाकी प्लेयर भी हमेशा याद रखें गेम जो है जमात अहमदिया में इनका रिवाज इसलिए है कि सेहतमंद जिस्म पैदा हो और सेहतमंद जिस्म के साथ वो काम लिया जाए जो इंसान की जिंदगी का मकसद है जो हमारी पैदाइश का मकसद है। इसलिए खेलों के मैदानों में खेलते हुए कभी अल्लाह ताला को नहीं भूलना चाहिए और कभी इस मकसद को नहीं भूलना चाहिए जिस मकसद के लिए हज़रत वसल्लम आए और हमने उसको पूरा करने का आपके हाथ पर अहद किया। हमारी खेल वसूत हौसला पैदा करने के लिए और अपने जिस्म की तमाम तर सलाहियतों को जमात के खातिर इस्तेमाल करने के लिए है ना कि मेडल लेने के लिए। इसलिए जो भी जीता
वो एक एप्रिसिएशन होती है, उस लिहाज से हर एक को इनामात भी दिए जाते हैं, लेकिन हर प्लेयर के जहन में ये मकसद होना चाहिए, इसके लिए एक मकसद है। और जिस तरह मसूम असलतम ने फरमाया, एक दफ़ा आपको किसी बच्चे ने सानी ने जिक्र किया था, क्रिकेट के प्लेयर जो हैं इस बात को बड़ा कोट करते हैं कि सिर्फ एक गेम है जिसका मसूम असलम ने जिक्र फरमाया कि क्रिकेट का कादियान में मैच हो रहा है, आप भी जाके देखेंगे। तो मसूम असलम ने फरमाया, जो मैच क्रिकेट मैं खेल रहा हूँ वो सारी उम्र जारी रहने वाला है, और तुम लोग खेल के शाम को वापस आ जाओगे। गुलाम अहमद की जय, गुलाम अहमद की जय, गुलाम अहमद की जय, गुलाम अहमद की जय। तो ये क्रिकेट है जिसकी रहनुमाई फरमा दी आपने कि ठीक है तुम क्रिकेट तो खेलो, वो भी गेम अच्छी है, जरूरी है, लेकिन असल तुम्हारा मकसद जो है वो तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। तो यही हमारा हमेशा हमारे लिए रहनुमा असूल होना चाहिए। अल्लाह करे कि आप सबको उसकी तौफीक मिलती रहे। जीतने वाली टीमों को मुबारक हो, और हारने वालों को भी, हार ही नहीं बल्कि जिस मकसद के लिए मजीद अच्छा बेहतर परफॉर्म करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अब दुआ कर लें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।